हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन न्यू टॉपिक दैट इज़ एवरेज। आज के हम क्लास में एवरेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? सो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? एवरेज क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? हम आपने सुना होगा, यू लिसंस अबाउट कैलकुलेट एवरेज, है ना? ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा, किसी ना किसी जगह पे सुना होगा। तो हम टुडे वी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड ए एवरेज, राइट? सो हियर फर्स्ट प्रॉब्लम, द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट आर 40, 50, 60, 70, 80। ओके, ये कह रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट ने एक एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम में 40 मार्क्स ऑप्टेन किया, 50 मार्क्स ऑप्टेन किया, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, उसी के साथ 80 मार्क्स ऑप्टेन किया है। यहाँ पे ये जो मार्क्स है, ये मार्क्स टोटल मिला के 5 है। तो ये जो 5 मार्क्स है, तो ये 5, ये जो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ये दिए गए, है ना? तो ये क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो मार्क्स दिए गए हो, ये मार्क्स 5 सब्जेक्ट के होंगे, राइट? सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हिज एवरेज मार्क्स। सो तो स्टूडेंट सिंपल पुट ए फार्मूला। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पुट ए फार्मूला, राइट? ओके, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या, कि यहाँ पे आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं, 40, 50, 60, 70, 80। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उस स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स मिले हैं, तो हम क्या बताएंगे कि इसको 40 मार्क्स मिले हैं प्लस 50 मार्क्स मिले हैं प्लस 60 मार्क्स मिले हैं 70 एंड 80 मार्क्स मिले, राइट? सो उस स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले हैं, राइट? लेकिन अब यहाँ पर नीचे में क्या दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मुझे बताओ यहाँ पर कितने मार्क्स दिए गए हैं, 40 दिया है, 50, 60, 70, 80। सो टोटल कितने हो गए, 5। तो 5 सब्जेक्ट्स में, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 5 सब्जेक्ट्स में, राइट? 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स मिले हैं, सिंपल। तो हम ये 5 नंबर्स का क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशंस, ओके? क्या करेंगे, एडिशंस। सो 8, 7, 15, 15 plus 6, 21, 21 plus 5, 26, 26 plus 4, 30, और ये 0, दैट इज 300 डिवाइड बाय 5। सो 300 डिवाइड बाय 5 का मतलब क्या होता है, 5 वन ज़ा और 5 सिक्स ज़ा, सो आंसर कितना आएगा, 60। आंसर कितना आएगा, 60। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ क्या करना है, हमें सम करना है और क्या करना है, टोटल देखना है कि टोटल नंबर कितने हैं, राइट? ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आ गया कि हमें ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे कितने मार्क्स दिए गए हैं, और यहाँ पर नीचे में क्या करना है कि कितने नंबर्स दिए गए हैं। तो समझ में आ गया, इनका इन सभी मार्क्स का हमने किया एडिशंस, टोटल मार्क्स, टोटल सब्जेक्ट 5 और 300 टोटल हुआ डिवाइड बाय 5, और आंसर विल बी 60। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, राइट स्टूडेंट? सो कैन वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द
एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, कितने नंबर्स दिए गए हैं? 0, 6, 0, 12, 14, 13। सो यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स दिए गए हैं, राइट। और पूछा क्या गया है? फाइंड एवरेज। क्या पूछा गया है? एवरेज। सो स्टूडेंट, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल नंबर। टोटल नंबर यही होता है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है? सम करो और टोटल नंबर कितने वो देखो। चलो तो सम किसका करेंगे? जो नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे 0, 6 का मतलब कितना हुआ? 6। 0 का मतलब कितना हुआ? 0। 12, 14 प्लस 13। सो मेरे पास कितने नंबर्स है? 5 नंबर्स है स्टूडेंट। ये 0 भी एक नंबर है, मिस्टेक मत कीजिएगा कि 0 तो कोई नंबर नहीं है, तो 4 नंबर होंगे, गलत। यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? 5। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे करोगे एडिशंस, राइट। सो 3, 4, 2 एंड 6। सो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15, रिमेनिंग 1, 1, 2, 3 और 4। सो 45 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 5 9 जा। सो आंसर विल बी 9। 45 डिवाइड बाय 5 ऐसा है, ठीक है स्टूडेंट। सो तो 45 5 के टेबल में आता है क्या? एस बिल्कुल आता है। 5 1 जा और 5 9 जा। सो आंसर विल बी 9। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में आया ना? सभी का एडिशंस करो और टोटल नंबर कितने हैं उसे डिवाइड कर दो, सिंपल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 3, एवरेज ऑफ द हाइट। क्या दिया है? एवरेज निकालना है किसका? हाइट्स का। हाइट्स ऑफ ए 5 स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट है वहाँ पे? 5 स्टूडेंट। और उनकी हाइट कितनी है? हैविंग हाइट, हाइट कितनी है? 30 है, 40, 50, 60, 70, राइट। तो ये 5 स्टूडेंट की हाइट दिया है और पूछा क्या गया है? एवरेज। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? एवरेज स्टूडेंट, ए वी जी मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ओके। एवरेज इज इक्वल टू, हमें क्या करना है? सम। सम किसका करेंगे? इन सभी हाइट का। और यहाँ पे हम नीचे क्या लिखते हैं? डिवाइड बाय टोटल नंबर, राइट, यही लिखते हैं। चलो कितने हाइट दिया है? 30, 40, 50, 60, 70। ओके, ये है इनकी हाइट, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे? 5। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? एडिशंस। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 यहाँ पे कितना आएगा? 25। और 0 एज इट इज डिवाइड बाय 5। सो 5 1 5 और 5 5 25, 5 5 25 और 0 as it is. So answer will be 50 and option B is the correct answer, right? समझ में आ गया? यहाँ पे भी कितना सिंपल है, additions करो, divide करो, answer निकालो। ये आपका लगभग 30 to 40 seconds में इसका answer होना चाहिए। कितना? 30 to 40 seconds में। और आप कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कर सकते हो आप। सो एग्जांपल नंबर 4, ओके।
डी एवरेज, अगेन कैलकुलेट एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव एवन नंबर। ओके स्टूडेंट, मुझे बताओ सबसे पहले एवन नंबर किसे कहेंगे? एवन नंबर हम उसे कहेंगे जो टू से डिविजिबल हो, राइट? टू से डिविजिबल होना चाहिए और रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए? ज़ीरो। क्या मिलना चाहिए? रिमाइंडर, वन मिनट, रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए हमें? ज़ीरो मिलना चाहिए। अगर कोई नंबर सेटिस्फाई करना है कि वो इवन है या ऑड है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको टू से डिवाइड करेंगे। अगर टू से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए, राइट? तो मुझे बताओ ये टू नंबर टू से डिविजिबल होगा, राइट? फोर नंबर टू से डिविजिबल होगा, राइट? सिक्स नंबर टू से डिविजिबल होगा, राइट? एट नंबर टू से डिविजिबल होगा, राइट? टेन नंबर भी टू से डिविजिबल होगा। सो ये है हमारे, सो दिस फाइव नंबर्स आर एवन नंबर, राइट? सो एवरेज इज इक्वल सम ऑफ ऑल एवन नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, राइट? सो सम किसका करेंगे? एवन नंबर का। टू प्लस ओके, ये किया। ओके स्टूडेंट, कितना नंबर रह रहे? एक दो तीन चार पाँच, तो लिखो यहाँ पे खटक से, कितना है? फाइव नंबर। चलो एडिशंस करो, टेन प्लस एट, वैसे मत करो, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी, राइट? सो 30 डिवाइड बाय 5, सो आंसर विल बी 6, आंसर विल बी 6, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? इजी है कि नहीं? अच्छा, इतना आसान है। अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक सवाल आपसे पूछता हूँ, कैन आई आस्क यू ए वन क्वेश्चन? मैंने यहाँ पे इवन नंबर की जब बात की तो मैंने जीरो क्यों नहीं लिया? टू फोर सिक्स एट, मैंने ये फाइव नंबर क्यों नहीं लिया? मैंने जीरो क्यों नहीं लिया, मुझे बताओगे? जीरो भी तो इवन नंबर है, हम बोलते हैं ना जीरो भी तो इवन नंबर है, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया, कोई बताएगा? तो इसका सिंपल आंसर है, अगर हम जीरो को टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आता है? जीरो ही आता है ना? आता है कि नहीं आता? आता तो है, लेकिन क्या, देखो इसकी कंडीशंस देखो, एवन नंबर कौन होता है? अगर कोई भी नंबर से टू से डिविजिबल होना चाहिए तो ही हम बोलेंगे, और रिमाइंडर कितना चाहिए? जीरो चाहिए, राइट? इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जब एवन की बात करते तो वो टू से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए हमने टू फोर सिक्स एट टेन से लिया है, राइट? हमेशा याद रखना, एवन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होंगी? टू फोर सिक्स एट टेन। ओके चलो आगे मूव करते, सो एग्जांपल नंबर फाइव। ओके एग्जांपल नंबर फाइव, सेम प्रॉब्लम है स्टूडेंट, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फाइव ऑड नंबर, राइट? सो ऑड नंबर किसे कहेंगे भाई, पहले बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर कि ऐसा नंबर जो टू से डिविजिबल नहीं होता, सो कौन कौन से नहीं होते रहे? वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन, फर्स्ट फाइव, इसलिए हमने फर्स्ट फाइव लिया, राइट? अब हम इसका निकालेंगे एवरेज। एवरेज क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑड नंबर एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर, यही करेंगे? बिल्कुल बोलोगे सर, आप यही कहोगे, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन डिवाइड बाय कितना नंबर है रे? वन टू थ्री फोर फाइव, सो टोटल नंबर कितने हुए? फाइव, राइट? चलो एडिशंस करो, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन प्लस नाइन एटीन, एटीन प्लस सेवन ट्वेंटी फाइव, और डिवाइड बाय फाइव, सो
फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव फाइव ज़ा 25. So answer will be 5 and option C is the correct. अब स्टूडेंट मुझे ये बताओ, मैंने आपसे पूछा the average of the first 5, यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया प्राइम नंबर, राइट? क्या पूछ लिया? प्राइम नंबर. बना पाओगे? चलो बनाइए आप अपने अपने लिए. ये मेरे तरफ से ये होमवर्क आपको, कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर को, फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज निकालिए, राइट? कैलकुलेट एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, ओके? कर पाओगे? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. सो एग्जांपल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6. द हाइट्स ऑफ 5 स्टूडेंट, अगेन अगेन हाइट्स, क्या पूछा है? हाइट्स, राइट? हाइट्स किसका रहे? 5 स्टूडेंट्स का. और कितनी हाइट है? 140, 135, 142, 138 एंड 140, राइट? दी हैव द एवरेज हाइट इज, क्या करोगे? व्हाट विल यू डू, क्या करोगे तुम? तो सिंपल, पुट ए फार्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल हाइट डिवाइड बाय टोटल नंबर, राइट? तो अब मुझे बताओ हाइट कितनी है इनकी? तो आप बोलोगे सर 140 प्लस 135, 142, 138 प्लस 140, ओके? इतनी हाइट्स दिया है. टोटल कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5, कितने बच्चे है रहे यहाँ पे? 5. चलो एडिशंस करोगे, 140 140 कितना हो गया? 280. 140 140 कितना हो गया रे? 280, राइट? 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, रिमेनिंग कितना? 1, राइट? नेक्स्ट 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 4 18 प्लस 1 19, अगेन रिमाइंडर 1, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गया 695 डिवाइड बाय 5, राइट? 695. अब इसको क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए. 5 वन ज़ा 5, रिमेनिंग कितना बचा? 1. सो 5 थ्री ज़ा 15, राइट? रिमेनिंग कितना बचा? 4. 5 9 ज़ा 45. सो आंसर विल बी 139. सो ऑप्शन सी इज द 139. स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना इसमें निकालने के लिए, सिंपल कीजिए ना, 695 डिवाइड बाय 5, यही है ना? करिए, 5 वन ज़ा 5, बचा कितना? 1, यहाँ पे आ गया 9. 5 थ्री ज़ा 15, बचा कितना? 4, और ये 5 यहाँ आ गया. 5 9 ज़ा 45. सो आंसर विल भी कितना? 139. नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो इससे करो, राइट? आंसर तो एक ही आएगा, बस इतना कि इसमें समय थोड़ा सा लगेगा, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी, सिंपल. तो ये होता है एवरेज. सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये इतने प्रॉब्लम आज के लिए काफ़ी हो जाएंगे, इजी लेवल के थे, है ना? तो मैं आपसे यही कहूँगा, राइट? आई वुड बी से टू यू, यू कीप वॉच वीडियो, राइट ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर बुक एंड रिवीजन व्हाट यू विल, व्हाट वुड राइट इन योर कॉपी, राइट? आपने अपने कॉपी में क्या लिखा उसको देखिए, चेक कीजिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने उसको कैसे सॉल्व किया. बस आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और कुछ नहीं करना है,
राइट, आपने एक बार समझ लिया है कि कैसे करना है, सिंपल है, आप बना सकते हो, राइट। चलो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय, टेक केयर।